कल गए थे ना अपन कुछ काम से, अपने गाड़ी को करवाने को काम, वो काम कंप्लीट हो चुका है। बम्पर तो फिटिंग हो चुका है, लेकिन जो साइड्स के रिफ्लेक्टर्स रहते हैं ना, वो रिफ्लेक्टर्स ना उसके साथ में नहीं आते, वो या अलग से लेना पड़ता ऐसा कुछ होगा। लेकिन अपने जो पुराना जो बड़गट है ना उसको ऑलरेडी है, तो उसके ना खाली एक नट बोल्ट्स रहते, नट बोल्ट्स निकाल के इसको फिट कर देने का है समझो, तो कम्प्लीटली सेट हो जाता वो। फाइनली कल इस तरह कुछ काम था, अपना वीकली ऑफ रहने से काम कर चुके हैं अपन। और साथ साथ ना जो एक्सीलेटर के जो एक्सीलेटर देने का रहता ना जो हैंडल के पास, उसको भी ना मतलब कुछ ऑरेंज कलर के कवर्स डाले अपन, वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा, ग्रिप भी और अच्छा दिख रहा अपने को। फाइनली फ्रेंड्स ये वो हाईटेक सिटी कंपनी के देखो, पूरा फॉरेन कंट्री यहाँ पर नज़र आता, देखो बढ़िया है ना। अभी नाइट में देखना, नाइट में बढ़िया लुक आता। देखो अभी लाइटिंग के साथ किस तरह दिख रहे, देखो बिल्डिंग्स पूरे सॉफ्टवेयर कंपनीज। देखो जो लाइटिंग का दिख रहा ना पिंक वाला, वो परसों तेलंगाना सीएम ओपनिंग करे, सीएम और मिनिस्टर्स वगैरह मिलके, कितना बढ़िया है ना। देखो अभी थोड़ा अंधेरा हुए तो ना अच्छा लुक आता, बढ़िया है। इस तरह कुछ दिखता, देखो देखो इंडिया इंडिया फ्लैग कलर आ रहा ना इसके ऊपर, बढ़िया। सुपर सुपर, अपने को ना पूरा फॉरेन कंट्री व्यू आता, बढ़िया है नहीं। देखो लाइटिंग्स के साथ गुड गुड। राइट साइड में पूरे पहाड़ा, लेफ्ट साइड में पूरे सॉफ्टवेयर कंपनियां, बढ़िया है। राइट साइड के पहाड़ को देखो, देखो लेफ्ट में भी एक पहाड़ है, देखना कितना बढ़िया है। बन्नी फिल्म ऑफिस है, देखो बिल्डिंग किस तरह है, पहाड़ पे बिल्डिंग आए, देखो पूरा आप जुबलील्स जुबलील्स पहाड़ों पे है। चलो फाइनली फ्लेवर डाउन आ चुके हैं अपन, ट्रैफिक जाम देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ तक है। 10 o'clock हो रही है अभी, 10 o'clock हो रहा अभी, तो घर को निकलेंगे बोले बोले तक ना, जस्ट अभी 1 minute पहले बारिश स्टार्ट हो गया, आप लोगों को बता दूं देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, ये बारिश में भीगते हुए चले जाएंगे अपन। तो वाह देखो लाइटिंग में दिखता, देखो देखो फुल बारिश हो रहा, देखो लेकिन अब अपन घर को जा रहे तो चले जाएंगे, अभी ये बारिश रुकने वाला नहीं है। चलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, लविंद्र आकाश सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल रात में ना मैं ड्यूटी में नाइट में 9 o'clock 10 o'clock हो चुका था, जैसा ड्यूटी ख़त्म होकर गाड़ी ऐसा निकालने वाला था, इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर ना इतना सारा पानी स्टार्ट हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया ना, मतलब स्विमिंग पूल में अपन डूब के अगर निकले तो किस तरह अपन गिल्ले हो जाते, उस तरह पानी गिरा, फुल दबा के पानी गिरा। तो मैं सोचा कि चलो घर को जा रहे तो अभी पानी स्टार्ट हुआ तो रुकने वाला नहीं है, चलो भीग लेते क्यों ना, चल जाएंगे बोले ऐसा। फिर रात में भीगते हुए भी आया मैं, बहुत सारा पानी गिरा। तो फ्रेंड्स फाइनली, हाँ बेटा चलो फ्रेंड्स फाइनली उपेंद्र जीत सिंह का स्कूल का टाइम हो रहा है, उपेंद्र जीत सिंह तैयार हो गए, उपेंद्र जीत सिंह को छोड़ के फिर अपन किराना शॉप वगैरह कुछ सामान लेना है, राइस लेना है, जाएंगे चलो जाके वो काम कर लेंगे। कल अपने साथ ना एक कांड हो गया, वो क्या हुआ क्या नहीं आप लोगों को बता दूँ, फिर आए बाद में बता दूँ। अब अपने को थोड़ा लेट जाना है, 10 o'clock ड्यूटी को निकलना है, ड्यूटी पर लेट हो चुका था अपने को। उपेंद्र जीत सिंह ने लेस बंद ले तुम बोले, फिर अभी अच्छा नहीं बंदे, फिर आप ही बंदो बोले था, बता रहे बंदे को चल जाएंगे, टाइम हो रहा वहाँ पर। चलो हाँ
उपेंद्र जी सिंह को ना स्कूल पे छोड़ दिया, छोड़ दे के राइस पैकेट लाने गया सेकंड फ्लोर में ना, लेके आया था कितना दम मारा, बहुत दम मजा रहा। ग्राउंड फ्लोर में रहना बहुत बड़ी बात है, अच्छा रहता ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दम हो जाते। आप लोगों को बता दूँ अभी मैं कल ना अपन ड्यूटी में लेट हो चुका है, सार के फ्रेंड आए सो है तो उनको कुछ काम की वजह से कल 4 o'clock से नाइट 10 o'clock तक उनके साथ में ही था। कुछ आइटम दिए थे, वो आइटम घर पे रख के आने का था, उनके घर पे रख के मैं जैसा कि फिल्म नगर से फिर जुबली चेकपोस्ट तक आके वहाँ पर सिग्नल का वेट कर रहा था। बहुत सारा ट्रैफिक जाम था, मतलब एक मेरे सामने एक 50-60 गाड़ियाँ और मेरे पीछे 31-40 गाड़ियाँ ठहरे हुए, अपन बीच में ठहरे हुए कम्प्लीटली लेफ्ट साइड जाने का, मतलब मैक्सिमम अपन लेफ्ट साइड में गाड़ी लगाते ना तो लेफ्ट साइड में रख के ठहरे हुआ हूँ। एक गाड़ियाँ जाने का जो वे रहता ना वहाँ पर उतना गैप है, तो एक बंदा ना मतलब इतना स्पीड से आ रहा ना, पीछे से इतना स्पीड से आ रहा ना, आके सीधा अपने गाड़ी को कार को ठकरा दिया। ठकराते ही मिरर अपना फोल्ड हो गया, अरे मिरर फोल्ड हो गया, मतलब अपन उतर के ना उसको पकड़े जितना भी टाइम नहीं है क्योंकि सामने इतने ज़्यादा कारा हैं और साथ साथ हमें राइट साइड में भी थोड़ा भी गैप नहीं है, एक ट्रक ठहरे हुआ था और साथ साथ उतरने को चांस नहीं है, तो उतने में ना वो बंदा निकल भी चले गया, मतलब चले भी गया वहाँ पर मिस होके। तो इस तरह कुछ हुआ तो सामने का जो मिरर रहता ना, जो लेफ्ट साइड का जो मिरर रहता ना साइड मिरर, वो मिरर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है और साथ साथ वो जो फाइबर का जो बॉडी रहता ना वो भी डैमेज हो चुका है। देखो सिटी के अंदर ना इस तरह गाड़ियां चलाते कि मतलब देखभाल नहीं, मतलब एक थोड़ा अगर मिस्टेक हुए तो उन्होंने गिरते गिरते बच गया बंदा, नहीं बोले तो अगर गिर भी गया ना, लेफ्ट साइड में एक डिवाइडर था, चलने वाला डिवाइडर था, उस डिवाइडर को मार लगे मतलब मरने के भी चांसेस रहते थे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी अगर मेरे कंटेंट्स देखते वीडियोज़ देखते तो भाई लोग आप लोग का मतलब बहुत केयरफुल रहना। देखो मैं तो बता दिया हूँ इमीडिएटली हमारे सारों को, सर ऐसा गाड़ी वाला ठोक के चले गया बोले ऐसा, तो अभी मॉर्निंग अभी ड्यूटी को जाने वाले हैं, अभी रिएक्शन क्या रहता देखना अपन गए बाद में। तो मेरे को भी बुरा लगा, देखो अपन 6 years से एक जगह वर्क कर रहे, अभी तक अपन चिमटी पर भी मतलब धक्का नहीं लगा है, अब अभी ना मतलब भाई मतलब ड्यूटी छोड़ने का भी थोड़ा सोच रहे, क्यों सोच रहे बोले तो मैं आप लोगों को बताया था ना हमारे सारों लोग दूसरे जगह शिफ्ट होने वाले हैं बोले ऐसा, तो वो ना यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, मतलब मैं सोचा था कि एक 25 किलोमीटर है तो एक विला देखे थे हम लोग, एक 25-30 किलोमीटर डिस्टेंस में देखे थे, अगर वहाँ तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे बोले ऐसा सोचा था, लेकिन वहाँ से अभी एक 20 किलोमीटर डिस्टेंस में सारों लोग मतलब शिफ्ट होने वाले है तो अपने को बहुत दिक्कत हो जाता। तो देखो अपन चलो भाई दूसरी ड्यूटी ढूंढ लेके वो मिल के बाद छोड़ देंगे बोले ऐसा सोच रहे, तो इस तरह हुआ। देखो इतने सालों में कभी भी अपन चिमटी भर भी धक्का वगैरह नहीं लगा है, तो थोड़ा बुरा लगा मेरे को इस तरह कोई बंदा अनियन बंदा आके लगा दे के चलेगा बोले ऐसा। अच्छा हुआ मतलब डोर वगैरह सामने कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, वो एक अच्छा हो गया समझो, नहीं बोले तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता, स्कोडा जो कंपनी है ना इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट में मिल जाते समझो अपने को सर्विसिंग को लेके गए तो इसलिए ना बहुत देख समझ के ये करना पड़ता। देखो अपन अच्छा ही जाते, अपन अपने तरीके में अपन गाड़ी चलाते, अपन अच्छे ही चलाते समझो, लेकिन जो अगले वाला जो बंदा है ना, अगले वाला होने दो या साइड से लेफ्ट साइड से पीछे से जो भी आते ना, मतलब उन लोग बहुत केयरफुली ड्राइव करते हुए भी आना पड़ता, नहीं बोले तो अपनी बिना गलती का भी अपने गाड़ी डैमेज हो सकता, जैसा कि मेरे साथ कल हुआ ऐसा। फिर अब रिएक्शन देखना अभी गए बाद में क्या बोलते क्या नहीं देखना पड़ता अपने को। देखो अगर कुछ बोले भी समझो, अपन गलती कर लिए समझो, अपन मतलब अपनी गलती है, अपन किसी को ठोक दिए बोले तो सुन लेना पड़ता, अपन कुछ गलती नहीं करे अगले वाला बंदा आके जब अपने गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया तो अपन उसको कुछ भी नहीं कर सकते ना। चलो फ्रेंड्स टी पी लेंगे, टी पी लेके फिर चले जाएंगे अपन। फ्रेंड्स कल ना अपने PM नरेंद्र मोदी हैदराबाद आने वाले हैं, कुछ पार्टी मीटिंग होने वाला है LB स्टेडियम के अंदर, तो सिटी के अंदर ना जहाँ भी देख लिए तो फुल उनके फ्लेक्सियाँ देखने को मिल जा रहे हैं। अभी एग्जैक्टली अपन अभी नागार्जुन सर्किल का है, उनका फ्लेक्सी लगाए से है, एक बार बताता हूँ आप लोगों को, अच्छा दिख रहा फ्लेक्सी, देखो आप लोग सर्किल है यहाँ पर फ्लेक्सी झंडा वगैरह लगाए सो है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा ना, अभी कभी भी बारिश हो सकता, धीरे धीरे छींटे भी स्टार्ट हो गए, देखो मिरर पे गिर चुके हैं, देखो